नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार में न्यूनतम मजदूरी के दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव मंजूर, जाने अब हर दिन मिलेंगे कितने रुपये। बिहार का टेक्सटाइल व लेदर पॉलिसी तैयार, 8 जून को लॉन्च करेंगे सीएम नीतीश कुमार, जाने क्या है खास। लालू यादव की 8 जून को पलामू कोर्ट में पेशी, पटना से झारखंड के लिए हुए रवाना। बिहार के शिक्षक बहाली में आधे से अधिक सीटों पर बंगाल के युवाओं का कब्जा, डोमिसाइल नीति लागू करने की उठी मांग। तेज धूप और उमस से बुखार व डायरिया के बढ़े मरीज, SKMCH और केजरीवाल में 62 बच्चे भर्ती। बिहार के सभी जिलों में मिलेगी हर तरह की हेल्थ सुविधाएं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किया ऐलान। बिहार के इन जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी, लोगों को मिलेगी गर्मी से राहत। बिहार में मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़कर अब 366 रुपये हो गई है। परामर्शदात परिषद की बैठक में न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की अनुशंसा की गई। तकरीबन 2 महीने के बाद यह नई दर बिहार में प्रभावी हो जाएगी। इस वृद्धि के बाद राज्य के तकरीबन 3 करोड़ मजदूरों को लाभ मिलेगा। इस वृद्धि के बाद मजदूरों को मौजूद दर से कम 48 रुपये अधिक मिलेंगे। श्रम मंत्री जीवेश कुमार ने बताया कि न्यूनतम मजदूरी के दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है। इसके तहत अब कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़कर 366 रुपये प्रतिदिन तक हो जाएगा। उन्होंने बताया कि न्यूनतम मजदूरी परामर्शदात्री की बैठक में किए गए अनुशंसा के बाद सरकार द्वारा असंगठित श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी के मूल वेतन का पुनः निर्धारण का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। इसके तहत पूर्व से प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की मूल दर एवं महंगाई भत्ता को समाहित करके अतिरिक्त आर्थिक लाभ देते हुए कामगारों के न्यूनतम मजदूरी के नए मूल वेतन का लाभ दिया जा रहा है। इथेनॉल के बाद बिहार की नज़र अब टेक्सटाइल कारोबार पर है। उद्योग विभाग बिहार में टेक्सटाइल उद्योग के विकास और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नीतिगत बदलाव करने जा रही है। इसके तहत 8 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 को लॉन्च करेंगे। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस संबंध में बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि इस पॉलिसी लॉन्च होने के बाद बिहार में टेक्सटाइल और लेदर उद्योगों की स्थापना के लिए नए द्वार खुल सकेंगे। आने वाले दिनों में पूरे देश में बिहार लेदर और टेक्सटाइल का बड़ा हब बन जाएगा। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी 2022 को लेकर बहुत उम्मीदें हैं। पहली बार ऐसा लग रहा है कि देश भर के टेक्सटाइल और लेदर प्रचलित लोगों की मंशा बिहार में निवेश की है। उन्होंने कहा कि उद्योग विभाग ने देश की बेहतरीन पॉलिसी बनाई है। इसमें बिहार में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत से प्रावधान किए गए हैं, जिसकी जानकारी 8 जून 2022 को मिलेगी, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों इसकी लॉन्चिंग होगी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सोमवार को पटना से झारखंड के लिए रवाना हो गए। लालू यादव को 27 साल पुराने आचार संहिता के एक मामले में 8 जून को पलामू कोर्ट में पेश होना है। कोर्ट में पेशी से पहले मंगलवार को लालू यादव झारखंड में राजद कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। ऐसा भी माना जा रहा है कि अपने इस दौर के दौरान वह झारखंड के अन्य दलों के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। लालू यादव को आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में 8 जून को पलामू कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था। यह मामला वर्ष 1995 का है, जब बिहार और झारखंड एक ही राज्य हुआ करता था। बता दें कि 1995 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान गढ़वा के गोविंद हाई स्कूल में एक चुनावी सभा का आयोजन किया गया था। सभा में लालू यादव हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे। वहां लालू प्रसाद ने लैंडिंग के लिए तय किए गए स्थान की जगह दूर एक खेत में हेलीकॉप्टर को उतरवा दिया था। इसी मामले में उन पर केस दर्ज किया गया था, जिसे लेकर उन्हें पलामू कोर्ट में 8 जून को पेश होना है। बिहार के युवा UPSC जैसी परीक्षाओं में भले ही सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं, लेकिन बिहार में हुए शिक्षक नियोजन में बिहार के बदले बंगाल के युवा मौकों को भुना रहे हैं। बात हाल में हुए शारीरिक शिक्षकों की बहाली की करें तो किशनगंज जिले में 45 शारीरिक शिक्षकों की बहाली में बिहार के केवल 11 युवकों की बहाली हो पाई है। किशनगंज जिले के विभिन्न 7 प्रखंडों में हुई इन 45 शारीरिक शिक्षकों की बहाली में 27 बंगाल के तो उत्तर प्रदेश के 6 और झारखंड के 1 युवा को मौका मिला है। यह हालत तो तब है जब प्रदेश में इन दिनों बेरोजगारी की समस्या चरम पर है। नौकरी के लिए प्रदेश के युवाओं का इंतजार हर साल लंबा होता जा रहा है। इस मामले में युवकों का कहना है कि दूसरे राज्यों में डोमिसाइल पॉलिसी होने के कारण वे कहीं अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में जब उनके राज्य में भी उन्हें अधिकार नहीं मिलेगा तो वह कहां जाएंगे। युवाओं का कहना है कि उन्हें अपने राज्य की नौकरियों में प्राथमिकता मिले।
तेज धूप और उमस के कारण लोग कई तरह की बीमारियों के शिकार होने लगे हैं। सबसे अधिक मरीज तेज बुखार और डायरिया के आ रहे हैं। बुजुर्ग और बच्चे इससे सबसे अधिक प्रभावित हैं। पिछले एक सप्ताह में इस तरह के मरीजों में काफी वृद्धि हुई है। सरकारी अस्पताल और क्लिनिक में मरीजों की भीड़ बढ़ी है। बच्चों को अस्पतालों में भर्ती करना पड़ रहा है। SKMCH और केजरीवाल में तेज बुखार और डायरिया के 62 मरीज भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। शहर के कई चर्चित डॉक्टरों के यहाँ मरीजों की भीड़ इतनी बढ़ी है कि इमरजेंसी में मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि दूषित पानी पीने, लू लगने और सफाई का ध्यान नहीं रखने के कारण इस तरह की बीमारियों से लोग पीड़ित हो रहे हैं। अभी AES का समय है, ऐसे में बच्चों का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। साफ सफाई को ध्यान रखने और बाहर के खाने से परहेज करने की जरूरत है। शरीर में पानी की कमी न हो, इसका भी ध्यान रखना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में बिहार सहित देश के सभी जिलों में हर तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस पर करीब 1,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पटना एम्स में जल्द ही ICU बेड, MIR, CT स्कैन व अल्ट्रासाउंड समेत अन्य जरूरी चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य क्षेत्र में हर तरह की जरूरी संसाधनों को सरकार पटना एम्स में उपलब्ध कराएगी, ताकि बिहार के मरीजों को किसी भी परिस्थिति में दिल्ली नहीं जाना पड़े। केंद्रीय मंत्री रविवार को पटना एम्स में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पटना एम्स में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक का शिलान्यास किया। साथ ही पटना एम्स के आवासीय परिसर, शैक्षणिक खंड और नए सभागार का लोकार्पण भी किया। पर्यावरण संरक्षण दिवस को लेकर उन्होंने पटना एम्स परिसर में पौधारोपण भी किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का सपना भारत के हर व्यक्ति तक संपूर्ण चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना है। बिहार में मौसम का उलटफेर लगातार बना हुआ है। वहीं प्रदेश के दक्षिणी भागों में पछुआ तो उत्तरी भागों में पूर्वी हवा जारी है। इसके प्रभाव से तापमान में उतार चढ़ाव बना हुआ है। प्रदेश के दक्षिणी भाग में तापमान में वृद्धि होने से चिपचिपाती गर्मी से लोग परेशान हैं, तो कहीं उत्तरी भाग में पूर्वा के कारण मौसम सामान्य बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की माने तो प्रदेश के दक्षिणी भागों के 19 जिलों में अगले 48 घंटों तक उमस भरी गर्मी बनी रहेगी। इस दौरान तापमान 42 से 44 डिग्री के आसपास रहने के आसार हैं, जबकि रविवार को पटना का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री की वृद्धि के साथ 38.8 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं 45.1 डिग्री सेल्सियस के साथ औरंगाबाद प्रदेश में सबसे गर्म शहर दर्ज किया गया था। चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश और इसके आसपास के इलाकों में बने होने के कारण 10 जिलों के मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार समेत भागलपुर में गर्जन बिजली के साथ मध्यम स्तर की बारिश के आसार हैं। इन जगहों पर येलो अलर्ट जारी करते हुए सुरक्षित स्थानों पर रहने का निर्देश दिया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज जिले के अधिकांश हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। बिहार में अब रिटायर्ड हुए पुलिसकर्मियों को फिर से सेवा देने का मौका है। पुलिस पदाधिकारियों की लगातार घटती संख्या के कारण थानों में बड़ी संख्या में कांडों के लंबित रहने, विधि व्यवस्था संधारण में आ रही परेशानियों को कम करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने बड़ा फैसला लिया है। ASI से लेकर पुलिस निरीक्षक तक के पदों पर ऐसे पुलिसकर्मियों को फिर से बहाल किया जाएगा जो एक वर्ष के अंदर इन्हीं पदों से सेवानिवृत्त हुए हैं। इन सभी लोगों की बहाली संविदा के आधार पर अगले एक वर्ष के लिए होगी। इसके लिए जिलों में कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2021 तक सेवानिवृत्त होने वाले ASI से लेकर पुलिस निरीक्षक तक के पुलिसकर्मियों को नियोजन का मौका मिलेगा। इन सभी का नियोजन संविदा के आधार पर किया जाएगा। संविदा के आधार पर नियोजन भी उसी पद पर किया जाएगा जिस पद पर से सेवानिवृत्त हुए हैं। एक साल तक के लिए उनको संविदा के आधार पर नियोजन किया जाएगा। बिहार के किशनगंज जिले के विभिन्न प्रखंडों में शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति में कई अनियमितताओं का पता चला है। बिना ओरिजिनल कागजात के जांच के ही अभ्यर्थियों की बहाली कर ली गई है। नतीजा यह निकला कि एक ही अभ्यर्थी को 2 प्रखंड में बहाली हो गई है। मामला दीघल बैंक और किशनगंज प्रखंड से जुड़ा बताया जाता है। इन दोनों प्रखंडों में शारीरिक शिक्षकों की विगत दिनों हुई बहाली में अभ्यर्थी सद्दाम हुसैन को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। मामला का खुलासा तब हुआ जब किशनगंज जिले की वेबसाइट पर उपलब्ध जिले के सभी 7 खंडों के चयन सूची को देखा गया। बताते चले कि मूल रूप से बंगाल के हरिचंद्रपुर निवासी सद्दाम हुसैन ने बंगाल बोर्ड से सेकेंडरी बोर्ड की परीक्षा 2007 में पास की, जिसके बाद बिहार बोर्ड की शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य प्रशिक्षक
क्षमता परीक्षा 2019 में पास की। इसके बाद सूबे में ही हो रही शारीरिक शिक्षकों की बहाली के लिए आवेदन दिया और इनका चयन दो दो प्रखंडों में एक साथ हो गया। इसके बाद इन्होंने दोनों प्रखंडों में एक साथ काउंसलिंग भी करवा ली। यूनिसेफ ने बाढ़ के समय सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पीएचईडी, जीविका और सहयोगी सामाजिक संगठनों को फ्लड रिस्पॉन्स सपोर्ट किट की 61 यूनिट सौंपी है। प्रत्येक यूनिट एक घंटे में 700 लीटर बाढ़ के गंदे पानी साफ कर सकती है। इसकी मदद से अत्यधिक दूषित बाढ़ के पानी को तुरंत शुद्ध कर पेयजल बनाया जा सकता है। इससे बाढ़ के दौरान पीने योग्य पानी मिलेगा। ये बातें शनिवार को पीएचईडी और जीविका के सहयोग से यूनिसेफ द्वारा शनिवार को फ्लड रिस्पॉन्स सपोर्ट किट के प्रदर्शन सह प्रशिक्षण कार्यालय में कही गई। आयोजन ज्ञान भवन पटना में किया गया था। कार्यशाला में पीएचईडी के अभियंता, जीविका के सीएलएफ अध्यक्ष व जिला कार्यक्रम प्रबंधक के साथ साथ यूनिसेफ के आपदा न्यूनीकरण एवं वास टीम के अधिकारियों समेत लगभग 125 लोग शामिल हुए। मौके पर यूनिसेफ के बिहार प्रमुख नफीसा बिनते शफीक ने कहा कि बाढ़ के दौरान खतरनाक बीमारियों से बचाने के लिए पेयजल और बेहतर स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी है। मौके पर उन्होंने यूनिसेफ द्वारा खरीदे गए 61 फ्लड रिस्पॉन्स सपोर्ट किट को पीएचईडी, जीविका और सहयोगी सामाजिक संगठनों अधिकारियों को सौंपा। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।